बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक के डिज़ाइन हैं जो हम मछलियों के लिए तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ मिलेंगे, आप कैसे आसानी से मछलियों के फ़्रॉक वगैरह को स्टाइलिश से डिज़ाइन कर सकती हैं। अगर आप खुद स्टिच कर सकती हैं ड्रेसेस वगैरह तो फिर तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं, आप बहुत आसानी से ये ड्रेसेस जो हैं स्टिच कर सकती हैं। मेरी इस वीडियो में आपको बहुत से खूबसूरत डिज़ाइन मुख्तलिफ स्टाइल में मिलेंगे जो आसानी से आप बना सकती हैं। जैसा कि समर का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो लॉन वगैरह के ड्रेसेस पे बच्चियों के आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन कर सकती हैं। गर्मियों में डिज़ाइनिंग वाले ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे डिज़ाइन लिख के आऊँ मुख्तलिफ तरह के, तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह के डिज़ाइन पसंद हैं। मैं फिर उसके मुताबिक वीडियो बनाऊं कि जैसे आपको डिज़ाइन पसंद है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और कमेंट करें। सिंपल फैब्रिक लेके उस पर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके अपने आइडियाज़ से उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। बच्चियों की ड्रेसिस पर डिज़ाइनिंग करने के लिए मार्केट में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जिनमें चिकन लेस है, सीढ़ी लेस है, मोटी वैम बटन है और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्योंकि ड्रेसेस पे हम पेंट कर सकते हैं और क्रोशिया कर सकते हैं, इसकी मदद से हम ड्रेसेस को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। गर्मियों के चाहे फ्रॉक हो उन पे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, रिबन फ्लावर भी बना सकते हैं। गर्मियों में बच्चों के लिए लाइट कलर बहुत सूट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद अच्छे डिज़ाइन आपके लिए लेके आऊँगी, बहुत आसानी के साथ घर में स्टिच कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, अप्रिशिएट करें कि इससे ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ।